गुड मॉर्निंग 8th क्लास, वेलकम टू योर चैनल नवनीत अकेडमी आलमे विद्यालय। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब फाइबर्स आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, ये क्या होते हैं, धागे बेसिकली। और प्लास्टिक आप लोग को पता ही है क्या होता है। अब ये जो फाइबर्स यानी धागे होते हैं, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक मैन मेड यानी जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, और दूसरे होते हैं तुम्हारे नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं इसके, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो द क्लोथ वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक, कपड़े से बने होते हैं, कपड़ों को ही पहनते हैं हम। नाउ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और ये धागों से बनते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल भी यानी प्लांट्स एंड एनिमल से भी, और आर्टिफिशियल सोर्सेज यानी हम मैन मेड जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? यस, हमें पता है प्लांट्स से हमें नेचुरल फाइबर कौन कौन से मिलते हैं, जूट हो गया, कॉटन हो गया, है ना। और वहीं पर ही इफ़ आई विल टॉक अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स से हमें कौन कौन से नेचुरल फाइबर मिलते हैं बताइए। वेरी गुड, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, सिल्क और वूल, ठीक है। नो फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ऐसा नहीं है सिर्फ ये कपड़े बनाने में ही यूज़ होता है, और बताओ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपके कर्टन्स उसी से ही बने होते हैं, ठीक है, आपका इवन जो नेकलेस का थ्रेड होता है वो भी उन मे बी जो आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर होते हैं, उसी से ही बनते हैं, है ना। सो ट्राई टू सेपरेट आउट, अच्छा अब उनमें से नेचुरल और आर्टिफिशियल हमें सेपरेट करने हैं, ये आपको टेबल दे रखा है। नाउ यू कैन रीड योर प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स है यानी नेचुरल फाइबर है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर भी होता है जो हम ह्यूमंस खुद बनाते हैं, वो धागे है ना, फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं, और इन धागों को हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ अब ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या बताओ, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट, ट्राई टू मतलब विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, यानी हम एक थ्रेड में काफ़ी सारे बीड्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं तब जाके नेकलेस बनता है ना। और अगर आप पेपर क्लिप को घर में खुद ज्वाइन करो और उसकी एक लंबी सी चेन बनाए पेपर क्लिप्स की, तो भी आप देखेंगे कि जब आप इन सब को ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ फॉर्म होती है। ऐसी अगर बच्चे में क्लोथ का एग्जांपल लूँ तो क्लोथ कैसे फॉर्म होता है, जब आप क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या करते हो बताओ, थ्रेड्स को ज्वाइन करते हो, तभी तो क्लोथ बनता है ना। ये एक्टिविटी की थी ना अपने पेपर के थ्रू इन क्लास 6th, यस एंड 7th आल्सो। नाउ द सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल जॉइंट टुगेदर, स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। Many such small units combine to form a large single unit called polymer. अब ये polymer क्या होता है, ये वो छोटी सी unit है जो बहुत large quantity में आपस में मिलती है और क्या form करती है, your synthetic fiber. अब इस polymer का मतलब क्या है, the word polymer is a Greek word जिसमें poly का मतलब होता है many and mer means part या units. So the polymer is made of many repeating units. जब आप उसको repeat repeat करते जाते हो, जैसे आप beads को बार बार repeat करते हो तो necklace बन जाता है ना, paper clip को आप बार बार repeat करके उसके अंदर tie करते हो तो paper clip की एक बहुत बड़ी सी chain बन जाती है, ठीक है।
तो ऐसे ही जब आप काफ़ी सारे पॉलीमर्स को इकट्ठा करते हो, उसको आपस में लेते हो, जॉइन करते हो, कंबाइन करते हो, तो वो एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। गेट इट? ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हमने ये तो देख लिया सिंथेटिक फाइबर कहते किसे हैं, अब इसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रेयॉन। ठीक है, यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में हुआ था ये डिस्कवर और क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और पता है आपको, चाइना वालों ने, चाइनीज़ ने बेसिकली इसको काफ़ी लंबे समय तक सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को बताया नहीं था कि उन्होंने सिल्क वॉर्म से सिल्क निकाल कर उसे कपड़ा बनाया है। सो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉज़ वेरी कॉस्टली, और ये एनिमल से मिलता था तो ये बहुत महंगा होता था। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस होता था, उसको रियरिंग कराते थे, उसकी ब्रीडिंग होती थी, आफ्टर दैट उसके कुकून बनने में बहुत टाइम लगता था। फिर कुकून से आप क्या करते थे, उसकी रीलिंग करते थे, फिर उस रील को, उस धागे को आप बेचते थे और फिर फैब्रिक बनता था। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, इसलिए बहुत कॉस्टली भी था। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेट्स एवरीबडी। बट जो इसका ब्यूटिफुल शाइनी सा टेक्सचर होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने इसे आर्टिफिशियल तरीके से, यानी फैक्ट्रीज में केमिकल्स के थ्रू बनाने का सोचा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता था और बहुत सारे सिल्क वॉर्म इससे मर जाते थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल ऑफ ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट सिल्क। यानी 19th सेंचुरी के दौरान, लगभग एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेसिकली कर दिखाया कि उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बना लिया, केमिकल्स के थ्रू एक धागा बनाया जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिल्क जैसी थी। ठीक है, सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। यानी जो तुम्हारा पेड़ के वुड का गूदा होता है उससे बनता था ये कपड़ा, उससे वो धागा बना। और वो जो धागा था, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन, और इसको हम रेयॉन के नाम से या आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानने लग गए। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, है तो ये वुड पल्प है ना, येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। पर ये किसने बनाया उस वुड पल्प से? हम ह्यूमंस ने बनाया। एज इट इज़, आप वुड पल्प को तो एज फैब्रिक यूज़ नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए ये चीपर था सिल्क से एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और जब इसके धागे बन जाते थे तो इसको आप इजीली फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते थे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको हम अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते थे। अब रेयॉन जो है ना, वो कॉटन के साथ मिक्स होता था तो वो बेडशीट बनाने के लिए काम आता था, और अगर हम उसको वूल के साथ मिक्स कर देते थे तो वो कारपेट बहुत अच्छा बना देता था। देखो इन एक्टिविटी, और सॉरी इन फिगर 3.2, ये आपका कारपेट, ये आपके क्लोथ्स। ठीक है, ये आर्टिफिशियल आर्टिकल्स ऐसे हैं जो रेयॉन से बनते थे। अब सेकंड हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलन। नायलन जो है वो भी एक मैनमेड फाइबर है, यानी हम ह्यूमंस ने कैसे बनाया है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया केमिकल के थ्रू। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का इसमें हमने कोई भी यूज़ नहीं किया था। ये प्योर मैनमेड फाइबर है आपका। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इन तीनों से इसका बेसिकली ये प्रिपेयर होता था। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेचुरल चीज़ यूज़ नहीं की थी हमने। ओके, नाउ नायलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा ये नायलन, इलास्टिक भी होता है और लाइट भी होता है। लस्टरस यानी शाइनी होता है ये, और इजी टू वॉश, बहुत जल्दी रिंकल नहीं पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है,
इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. क्यों? क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक भी था, पहनने में भी हल्का लगता था, लस्टर्स बहुत ज़्यादा शाइनी भी था और इजीली वॉश हो जाता था. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, सच एज हमारे सॉक्स, रोप्स यानी रस्सी, टेंट, टूथब्रश, कार सीट की जो बेल्ट होती हैं, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सारी की सारी नायलॉन से चीज़ें बनी होती थी. क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतनी सारी क्वालिटीज़ थी उसके अंदर. ठीक है, नाउ नायलॉन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स. जो पैराशूट की रोप्स होती है ना बेटा, ये देखो ये वाली, ये और इसका ऊपर का सारा स्ट्रक्चर, ये सब, और रोप्स जिससे आप क्लाइंबिंग करते हो, जो स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोप टूट गई तो आप धड़ाम नीचे गिर जाओगे. तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स वगैरह होती थी वो सारी की सारी नायलॉन थ्रेड से बनी होती थी. अब आप सोचो कि नायलॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, क्योंकि कितनी ताकत लगती है ना, तो वो नायलॉन थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक स्टील वायर से भी. ओके, अब कैसे स्ट्रॉन्ग था, कैसे पता चला? देखो इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू ये चीज़ समझा रखी है. हमें क्या करना है, एक आयरन का स्टैंड लेना है और उसमें कॉटन थ्रेड को देखो, 60 सेंटीमीटर का कॉटन थ्रेड लेना है और यहाँ पर हमने एक वेट ले लिया है, उस कॉटन थ्रेड को उस वेट के साथ बांध दिया है. अब ऐसे ही ना हमने अलग अलग थ्रेड के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है. देखो, एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक, और इसके ऊपर बार बार एक वेट रख दिया, उसको बांध दिया, जैसे उसके ऊपर एक और वेट रख दो, देखो कि क्या वो धागा टूट जाता है थोड़ा और वेट रखने से, अगर नहीं टूटता तो तीसरा रखो. तो ऐसे ऐसे देखो कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस वेट को सहन करने की. अब आप इसके अंदर अलग अलग थ्रेड ले सकते हो, वूल ले सकते हो, पोलिएस्टर ले सकते हो, सिल्क और नायलॉन. अब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना था. तो आप लोग आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो था हमारा नायलॉन. ये ऐसा बेसिकली फाइबर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, आ गई बात समझ में?